अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से हैं। मैं आप सबको एमएस वर्ड की प्लेलिस्ट की वीडियो में खुश आमदीद करता हूँ। तो आज का जो हमारे पास न्यू टॉपिक है, हमारे पास है पेज लेआउट। पेज लेआउट हमारे पास क्या है? जैसे ही आप लोग एमएस वर्ड को ओपन करेंगे कोई भी काम करने के लिए, तो सबसे पहले आप लोग अपने पेज की सेटअप करेंगे। कैसे, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो चलते हैं आज की अपनी पहले टॉपिक की तरफ। जैसे ही मैं पेज लेआउट पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं हमारे पास पहला ऑप्शन आ रहा है मार्जिन्स। मार्जिन्स हमारे पास क्या है? आप देख सकते हैं हमारे पास इस डॉक्यूमेंट में हमारे पास सैनों से स्पेस खाली है, ये हमारे पास होता है मार्जिन्स। आप कितना भी स्पेस छोड़ना चाहें आप यहाँ मार्जिन से छोड़ सकते हैं। अगर कम या ज़्यादा आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं। अगर आप लोगों को नैरो में चाहिए, आप नैरो में क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं हमारे पास अभी कम स्पेस हो गया सैनों से। फिर उसके बाद आते हैं मॉडरेट। आप देख सकते हैं मॉडरेट में थोड़ा जगह खाली हो गया। अभी वाइड में आप देख सकते हैं हमारे पास ज़्यादा बहुत स्पेस खाली हो गया शेडोज से। इसी तरह हम लोग पेज मार्जिन्स को यूज़ करते हैं। अब मैं नॉर्मल पे क्लिक करूँगा, नॉर्मल हम लोग इसको यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास नीचे आ रहा है कस्टम मार्जिन्स। कस्टम मार्जिन में आप क्लिक करेंगे, ये हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मार्जिन्स। आप टॉप में कितना मार्जिन छोड़ना चाहेंगे और बॉटम में कितना, आप यहाँ से मैन्युअली कर सकते हैं। टॉप से आप लोगों को कितना मार्जिन छोड़ना है आप यहाँ से कर सकते हैं। जैसे ही मैं इसे बढ़ा रहा हूँ, आप देख सकते हैं प्रीव्यू में हमारे पास दिखाई दे रहा है। बॉटम से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। जैसे ही मैं इसे ओके करूँगा, आप देख सकते हैं हमारे पास अप्लाई हो गया पूरी डॉक्यूमेंट में। मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, आगे मैं कस्टम मार्जिन पे आता हूँ। हमारे पास लेफ्ट राइट से भी, आप लेफ्ट से कितना जगह स्पेस छोड़ना चाहेंगे, राइट से आप यहाँ से सेटअप कर सकते हैं राइट और लेफ्ट से। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है गटर। गटर हमारे पास क्या है? आप देख सकते हैं मैं अभी गटर को अपना ज़्यादा कर रहा हूँ। यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है, जैसे हम लोग अपने कवर बुक के लिए स्पेस नहीं छोड़ते, ये हमारे पास गटर का ऑप्शन है। अगर आप लोग गटर में टॉप से भी जोड़ना चाहेंगे, आप टॉप से भी कर सकते हैं। गटर हमारे पास ये है, ये ऑप्शन इसलिए यूज़ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप। आपको अपना पेज किस तरीके में चाहिए, अभी ये हमारे पास जो है पोर्ट्रेट में है। आप लैंडस्केप में करेंगे, जैसे ही ओके करेंगे ये हमारे पास लैंडस्केप हो गया। पहले हमारे पास 3 पेज थे, अब यहाँ से 4 पेज हो गए, थोड़ा टेक्स्ट चौथे पेज पे आ गया। मैं इसे कंट्रोल जेड कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं हमारे पास अगेन 3 पेज हो गए। अब मैं यहाँ पे फर्स्ट माउस के कर्सर पे क्लिक करता हूँ, कस्टम मार्जिन पे आके लेफ्ट से स्पेस छोड़ना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने स्पेस छोड़ दिया, आप देख सकते हैं प्रीव्यू। फिर उसके बाद ऑप्शन आ रहा है अप्लाई टू। आप कहाँ पे अप्लाई करेंगे, वर्ल्ड डॉक्यूमेंट या दिस पॉइंट फॉरवर्ड? दिस पॉइंट फॉरवर्ड से मतलब यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, इसके बाद अप्लाई करेंगे या पूरे डॉक्यूमेंट में? मैं चाहता हूँ इसके बाद अप्लाई हो, दिस पॉइंट फॉरवर्ड करके ओके करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास अप्लाई होगा, फर्स्ट पेज पे अप्लाई नहीं हो गया, नेक्स्ट पेज पे ऑटोमेटिक अप्लाई होगा। यहाँ से जो जितने भी पेज हैं उन सब में अप्लाई हो जाएगा। पेज मार्जिन तो आप लोगों को समझ आ गया होगा, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप भी मैंने आप लोगों को समझाया पेज मार्जिन के अंदर। फिर उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ रहा है पेज साइज। आपको पेज साइज किस तरीके से चाहिए, आप यहाँ से कोई भी साइज ले सकते हैं। अगर लेटर लिखना हो आप लेटर में यूज़ ही करते हैं, मैन्युअली हम लोग A4 यूज़ करते हैं पेज साइज की। फिर नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मोर पेपर साइज। आप मोर पेपर साइज में खुद से भी वेट हाइट कुछ भी अप्लाई कर सकते हैं, जिस तरह भी चाहिए। वर्ल्ड डॉक्यूमेंट दिस पॉइंट फॉरवर्ड आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ तक तो आप लोगों को समझ आ गया होगा पेज साइज तक। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास कॉलम्स। कॉलम्स हमारे पास क्या है? अभी ये हमारे पास पूरा एक कॉलम है, ये हमारे पास पूरा एक कॉलम है। मैं चाहता हूँ ये हमारे पास 2 कॉलम में हो। कैसे, मैं यहाँ पे क्लिक करके जैसे ही 2 पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं हमारे पास 2 कॉलम्स हो गए। अगर मैं 3 पे क्लिक करूँ, ये हमारे पास 3 कॉलम्स हो गए। फर्ज करें मुझे लेफ्ट से कम स्पेस चाहिए, राइट से ज़्यादा,
देख सकते हैं हमारे पास ये अप्लाई हो गया। सेम इसी तरह राइट में भी हमारे पास ये ऑप्शन है। फिर नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है मोर कॉलम्स। जैसे ही आप लोग मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे, ये तो हम लोगों ने वहाँ से अप्लाई किया। नीचे हमारे पास ऑप्शन आ रहा है नंबर ऑफ कॉलम्स, आप लोगों को कितना कॉलम चाहिए, जितना भी चाहिए आप यहाँ से कर सकते हैं। ज़्यादा चाहिए या कम चाहिए आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने अब 5 कॉलम्स की हमारे पास यहाँ पे प्रीव्यू आ रहा है कि 5 कॉलम्स का प्रीव्यू इस तरह होगा। फिर उसकी वेट, एक कॉलम की वेट कितना होना चाहिए, दूसरे के कितना, तीसरे के कितना, और स्पेसिंग, ये जो हमारे पास दरमियान से स्पेसिंग है ये कितना स्पेस होना चाहिए आप यहाँ से स्पेस कर सकते हैं। अप्लाई टू ऑल डॉक्यूमेंट, ये तो आप लोगों को खुद से पता है। जैसे ही आप लोग ओके करेंगे ये हमारे पास अप्लाई हो गया। कॉलम्स का हम लोग यूज़ इसलिए करते हैं। मैं यहाँ पे आके अगेन 1 कॉलम कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहे पेज ब्रेक। हम यहाँ से अपने कॉलम्स, पेज, टेक्स्ट सबको ब्रेक कर सकते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ से टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक, मैं चाहता हूँ ये हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आए। मैं एंटर करके तो नहीं लाऊंगा, मैं शॉर्टकट तरीके से ब्रेक पे क्लिक करूंगा, नेक्स्ट पेज पे क्लिक करूंगा। आप देख सकते हैं हमारे पास टू मेक योर डॉक्यूमेंट लुक नेक्स्ट पेज पे आ गया। सेम इसी तरह अगर आप लोगों को यहाँ से चाहिए, आप चाहते हैं सेव टू एन आवर, ये मेरे पास नेक्स्ट पेज में आए, आप नेक्स्ट पेज पे क्लिक करेंगे हमारे पास नेक्स्ट पेज पे आ जाएगा। मैं कंट्रोल सेट कर लेता हूँ। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कॉलम्स। हम इसी तरह अपने कॉलम्स को भी ब्रेक कर सकते हैं। फर्ज करें मैंने यहाँ से 2 कॉलम ले लिया। अब मैं चाहता हूँ रीडिंग ये मेरे पास नेक्स्ट कॉलम में आ जाए। हम यहाँ से कॉलम ब्रेक भी कर सकते हैं। आपको जितने भी कॉलम्स ब्रेक करने हो आप यहाँ इसी तरह ब्रेक कर सकते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहा है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग से हम लोग आप लोगों को बताया था कि हम लोग अपने पिक्चर को रैप करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। सेम इसी तरह हम लोग अपने टेक्स्ट को भी रैपिंग कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। जैसे ही मैं टेक्स्ट रैपिंग पे क्लिक करके करूँगा आप देख सकते हैं हमारे पास ये थोड़ा नीचे आ गया। हम इसलिए टेक्स्ट रैपिंग को यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है, नेक्स्ट पेज हमारे पास क्या है ये मैं आप लोगों को समझाऊँगा। अब मैं जैसे ही एडर पर क्लिक करूँगा आप देख सकते हैं हमारे पास पूरा एडर है, देख सकते हैं ना हमारे पास सब एडर है। मैं यहाँ पे एक पेज पे अप्लाई करूँगा सब पेजों में अप्लाई हो जाएगा। मैं इसे क्लोज कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे माउस कर्सर रख लेता हूँ, पेज लेआउट में आके नेक्स्ट पेज पे मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये हमारे पास पेज ब्रेक हो गया, मतलब ये हमारे पास अब नेक्स्ट पेज है। मैं अगेन एडर फुटर खोल लेता हूँ। आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे लिखा रहा है सेक्शन 1, ये हमारे पास सेक्शन 2 हो गया, यहाँ पे भी हमारे पास सेक्शन 2 हो गया, यहाँ से हमारे पास पेज ब्रेक हो गया। अब मैं यहाँ पे क्लिक करके पेज लेआउट में आके पेज मार्जिन में नैरो कर लेता हूँ। देख सकते हैं हमारे पास ये पहले पेज में अप्लाई होगा क्योंकि हमारे पास नेक्स्ट पेज है, इसके लिए हमें अलग से सेटअप करना होगा। पेज ब्रेक हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, अलग अलग आप लोगों को यूज़ करना हो हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं। फिर हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है कंटिन्यूस। कंटिन्यूस में आप लोग चाहते हैं कि ये हमारे पास पैराग्राफ ब्रेक हो ना, ये हमारे पास एक पैराग्राफ है, ये नेक्स्ट पैराग्राफ है, ये हमारे पास ब्रेक हो, आप कंटिन्यूस में क्लिक करके इसे ब्रेक कर सकते हैं, हमारे पास अलग पैराग्राफ बन जाएगा। इवन और एड ऑड पेज में आप लोगों को एडिट फुटर में समझाया था ये हमारे पास क्या होते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रहे हैं लाइन नंबर, ये हमारे पास क्या होते हैं। आप देख सकते हैं हमारे पास अभी लाइन नंबर कोई भी नन है, कोई भी हमारे पास डॉक्यूमेंट में लाइन नंबर नहीं है। आप चाहते हैं मैं लाइन नंबर लगाऊं, जैसे ही मैं कंटिन्यूस पे क्लिक करूंगा ये हमारे पास लाइन नंबर यहां तक लग गए। अभी हमारे पास नेक्स्ट पेज है, इसके लिए हमें अलग से लाइन नंबर लगाने होंगे। लाइन नंबर इसी तरह हम यूज़ करते हैं। फिर लाइन नंबर में रिस्टार्ट ईच पेज, हर पेज का लाइन नंबर अलग होना चाहिए, हम इसलिए यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों को रिस्टार्ट ईच सेक्शन, ईच सेक्शन में हमारे पास ये हमारे पास अगर अलग सेक्शन है, हम चाहते हैं कि अलग सेक्शन में यूज़ हो, हम इसी तरह यूज़ करते हैं लाइन नंबर।
यहाँ तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि लाइन नंबर हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ। ये हमारे पास क्या है, अब मैं चाहता हूँ कि ये जो हमारे पास पैराग्राफ है, मैं चाहता हूँ इसमें हमारे पास लाइन नंबर ना हो। अब मैं इसे सेलेक्ट करके यहाँ पे इसे सप्रेस फॉर करंट पैराग्राफ पे करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास लाइन नंबर नहीं हो गया। 1 2 3 4 5 6 के बाद यहाँ पे डायरेक्ट 7 स्टार्ट हो गया, यहाँ तक हमारे पास लाइन नंबर नहीं आ गया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये लाइन नंबर समझ आ गया होगा। फिर उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन है हाइफनेशन। ये हमारे पास क्या है, हाइफनेशन हमारे पास ये है कि आप देख सकते हैं कोई वर्ड हमारे पास इस तरह लिखा है तो हमारे पास ये हमारे पास हाइफनेशन का सिंबल ये है। अब फर्ज करें ये हमारे पास ऑन स्टाइल है, यहाँ पे नहीं आ रहा था तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब मैं इसे सेलेक्ट करके हाइफनेशन पे ऑटोमेटिक करूँगा, आप देख सकते हैं हमारे पास ऑन यहाँ पे आ गया, हमारे पास हाइफनेशन का निशान यहाँ पे आ गया। ये हमारे पास होता है हाइफनेशन। हाइफनेशन हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, मैन्युअली हम लोग इसे नन रखते हैं, ज़्यादातर हमारे पास ये यूज़ नहीं होता। मैं उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी और आपने इनमें से कुछ सीखा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे हर आने वाले न्यू वीडियो आपको टाइम पे मिले। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।